हेलो हाय गुड मॉर्निंग सुप्रभात नमस्कार। एक नए दिन की शुरुआत करते हैं नए और बेहद खूबसूरत ब्लॉग के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज के दिन की और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं। आज है संडे, संडे यानी कि काफ़ी व्यस्तता रहती है। आज हमने ना चूड़े कूटने हैं। अब दिवाली उम्र है यानी द्वितीय उम्र है, द्वितीय दिन के चूड़ कूटने वाले छा। हमें चूड़ भिजार खान, चूड़ा यानी धान भिजार खान। थोड़ी देर में हमें चूड़ कूटन जान छे नाय धुआया मैल और एल तो मैं फिलहाल प्रसाद बनून मरियो। बेल हमारे यहाँ रामलीला समापन होगी और आज हवन छे तिल पात्र कूटन जाए थे। जितने भी पात्रों ने प्रतिभाग किया तो उनका उनकी नज़र उतारी जाती है और उसके और हवन भी किया जाता है भगवान जी का, तो उसी की तैयारियां चल रही हैं। फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, आप बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। देखते हैं आज दिन भर में क्या क्या होता है। और हाँ, मैं आपको ना चूड़े कूटते हुए भी दिखाऊंगी कि हम कितने लोग कूट रहे हैं और क्या क्या हमारी परंपराएं हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पर बन रहा है भगवान जी के लिए प्रसाद, तो पहले मैं प्रसाद बना लेती हूँ। ये बन गई है प्रसादी, अब मैं बना रही हूँ दूध वाला हलवा। थोड़े से सूखी प्रसादी में मैंने डाल दिया दूध, अब दूध वाला बनेगा हलवा जो भगवान जी के लिए बन रहा है। हलवा भी तैयार है। दोनों तरह का प्रसाद बनाने के बाद अब मैं जा रही हूँ चूड़े कूटने के लिए, तो मिलते हैं सीधे और हलवा आपसे। चूड़ कूटना प्रक्रिया शुरू हो गया। फर्स्ट गांठ की हेलो मामी और भोलन वैज्ञान मामी, बिल्कुल ठीक। अखोल में हमें रख लिया फूल, पहली चल अखोल में फूल रख बेन कुटनू। चूड़ कुटना हमें पहली घात कुटल छे, अब हमें खरल नोलू पड़े वाल रख लिया। ये मैं हमें रख लिया दूब और दीदी कुट ले आये छे। जैसे ना चूड़े कूटने के लिए स्पेशल यंत्र चाहिए तो ये झाड़ू भी इतना ही होना चाहिए। चाड़ने के लिए बहुत बढ़िया होता है ये मामी से मांगा हमने, बड़े भी बढ़िया विरासत है। विरासत का हर साल यही काम आता है। खर मेहंदी लगा रहे किसा? खर मेहंदी लगा चूड़ा खिन मदद कर खिन आ गया मदद तो कमर में बेल्ट से बहुत है बढ़िया। इतु चीज इतु आदमी उनकी जरूरत पड़ी चूड़ कुटन में। अल्लाह इस लग रही है पार्लर है ऐसा मुंह जाना कन चमकी पेन तुम और मेरे को चमकोलपुर गड़ाल का तो काम हो रही था डाले भांगोले। इन कुटिया ले ने मिल चूड़ा और इन बोतल दिमरान और खरल दिमरान। ये यू मेर वीडियो बनुल ले रही मैं चूड़ ने कुटने रे ये दो चार पसल हो गया मन। मामी बुटन मरियान रात तने आया तने बुट बुट भी नहीं सब बुटे के लाने एक तरह के चूड़े ये हमारे, दूसरी तरह के ये हैं, अब हम तीसरे तरह के चूड़े कूट रहे हैं, फिर सौ तरफा कूटन से हाथन में टाइम टाइम हाथ मार रहे माली सुन में रहे गई है ये तो कैंडिडेट कमर में बेल्ट बांध के ना। तो पूरे कूटने के बाद थोड़ा रखे जाते हैं जिसको लास्ट में हम यहीं पर खा लेंगे। ये हमने कूटने के बाद रखने हैं, अभी इसको फटकेंगे फिर इसको सभी लोग बांट के खाएंगे। बाकी माँ लक्ष्मी के दिन पूजा करेंगे इन चूड़ों से, द्वितीय के दिन यानी भैया दूज के दिन सर पूजेंगे फिर उसके बाद खाएंगे, लेकिन ये अभी खा लेंगे। और पूरा इंतजाम कर रहा है मामी के सौजन्य से चाय बन के आ गई है, निकिता बना के ला गई है चाय। मेरी बहन आई थी कल, वो लाई थी। कहाँ की मिठाई है मामी? चंपावत की बाल मिठाई है। चाय पी रहे हैं, चाय कूट रहे हैं, मैडम लोगों को दिखाए। मैडम होके भी ना घर के रीति रिवाज छोड़ते नहीं है, गाय पाल रखी है। ओ धन्यवाद आपका, धन्यवाद। आप पी लेते हैं गड़गड़ानी चाय। आपकी तारीफ कर रहे थे कौन तारा, और मैं कह रही थी मैडम पे इतना हुनर है हर चीज का हुनर। ओ क्या बात है, ज्यादा ऑन द कैमरा तारीफ करने की हिम्मत सबको चाहिए। देखो कर तो रहे पूजा, मेरे मुंह खुद काल होगी। इल्ली कालीन बिछाएल छे हमें, तुम्हारा घर है ना कालीन सब, यो हमारे घर है क्यों कालीन। अदरक की खुशबू आ रही है, मस्त से पी लेते हैं चाय।
ये पहाड़ी रीति रिवाज ना कितने अच्छे लगते हैं। कष्ट तो लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन ये देखकर काफी अच्छा लगता है। यहाँ पे सब लोग हम अच्छी तरह से कूट रहे हैं, चाय पी रहे हैं। वाव, कैसे हो रहे हम दूसरे फुसरे? अब कूटने हैं हमने मामी के चूड़े, हमारे हो गए खत्म। अब मामी के चूड़े में लगानी है पूरी एनर्जी। चाय ले गए, एनर्जी बूस्टर ला चुकी है, तो हमने चाय पी ली। अब कूटते हैं मामी के चूड़े फटाफट। कदु गिलास भी है नानी पी हजरा तुम रोटी में तो चाह दू गिलास चाह ओ तब कुटन मरे। आप मिल गई ना मन एनर्जी बूस्टर। इतनी चिंतित है अपने चूड़ों को लेकर। थोड़ा कुटी था ना चूड़ कुटन मामूली बार नाती ना मेरे दूसरा ले आ गया ना हेल्प करें के नहीं था चाने चूड़ा हेल्प करें के ना चाने कुटन के धन्यवाद बहुत बहुत। थोड़ा वेट ले का मुंह दे क्या ले मोटा पा का मुंह वेट पेट घटा बता दिया एक और आगे हेल्प करने के लिए। देखा ऐसे ऐसा है हमारा पड़ोस अनोखा रंगीला मामी के मामी बाप रे आज अच्छा वाला दुमा उल्टी उल्टू ये फटकी ले लेने में लियो इन वाल हुन इन तो सारा प्रकार अक्षन और एक अक्षन ये कूट रहे हैं अभी लोग। फाइनली कूट चुके हैं हम लोग धान और यहाँ पर अब पकाने वाले हैं दाला। ये इनर मौक इन हुन चूड़ देखा तो हुरियन इनर चूड़ी सुरियन यू पसीना के नल फल होगा सपन के दीपावली आ रही है तो घर की साफ सफाई करनी है। आज मैंने कटन से भी निकाल रखे हैं चूड़े कूट दिए हैं। अब ये धोने हैं पर्दे हैं चूड़ी वाले पर्दे तो खराब ना हो जाएं इसके लिए मैंने इसको बांध रखा है और यहाँ पे एक मोजा अंदर लगा दिया है ताकि चूड़ियाँ भी बची रहे सलामत और मशीन भी खराब ना हो। तो चूड़ी वाले पर्दे इसी तरह धोने चाहिए जिससे सेफ रहती है मशीन भी और पर्दे भी आसानी से धुल जाते हैं। तो मैं ये धोती हूँ अब पर्दे। शाम का समय है अब जाके मेरे पर्दे धुले हैं वो भी पूरे नहीं नीचे ना खेतों में। अब होगी है बरसीम की बुआई। इन खेतों में बरसीम बोते हैं। ओ एक नया घर और बन रहा है वहाँ पे। यहाँ ना सीधे घर बनते हुए बिल्डिंगें ही दिखती हैं। पहले इन खेतों में ना पूरे खेत ही खेत थे। अब देखो काफ़ी घर यहाँ पर बन चुके हैं। पहले पूरा खेत ही खेत दिखता था। ये ना निशानी है कि पलायन की। लोग उनके गाँव खाली हो गए हैं और छोटे छोटे कस्बे जो हैं शहरों में तब्दील हो रहे हैं। फिलहाल सूर्य डूबने वाले हैं और मैंने कुछ पर्दे धो दिए हैं, कुछ अभी धोने हैं। कुछ इस तरह से मौसम हो रहा है हमारे शहर का। सर्दी का आगाज अब हो ही गया है। सर्दी की जैसी धूप लग रही है हल्की हल्की पीली पीली।